ईश्वर की मर्जी से इंसान इस धरती पर जन्म लेता है। माँ बाप, घर गांव और कुछ रिश्तों से बंधकर उसका बचपन गुजर जाता है। फिर जवानी के रिश्तों को लानता हुआ वो अपनी तकदीर बनाने की सोचता है, अपना गांव छोड़ अपने घर से दूर निकल जाता है, देश परदेश घूमता है जहां उसे एक से एक लोग मिलते हैं, एक से एक खूबसूरत मंजर दिखाई देते हैं जो उसे वहीं बस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिर सुंदरता का तो कोई अंत नहीं, पर सच्चा इंसान अपने वादों को कभी नहीं भूलता। किस्मत बनाकर वो लौट जाता है अपने घर जहां उसके अपने उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लौट के आना ही विधि का विधान है। जैसे इंसान उम्र गुजार कर एक दिन वहीं लौट जाता है जहां से वो आया था। सूरजमल जी के इकलौते बेटे की है। अच्छा, कम से कम 100 रिश्ते दस्तक मार रहे हैं उनके दरवाजे पर। मैंने सोचा यही मौका है 2-3-4 का, अपनी राधा पिटिया के लिए खूब जमेगी ना। लड़का तो अच्छा है, मुझे पसंद है। माजी आपको पसंद है, लेकिन आपकी लाडली को पसंद आए तब ना। ये 7वां रिश्ता है माजी, आज तक 6 को तो इनकार कर चुकी है। अगर ऐसे ही इनकार करती रही तो घर में कुंवारी बैठी रहेगी। बाजी आप एक दफे उसके साथ बात कीजिए, उसका दिल टटोल लीजिए कि आखिर वो चाहती क्या है।
रहना मुश्किल सहना जवां दिलों ने कब है माना। चौधरी कैलाशनाथ, नमस्कार। ओह भाई साहब, आप कुछ 20 साल से आपके चर्चे सुनते आ रहे थे, आज दर्शन हुए। वैसे आज अचानक आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? अभी जी यूं गांव के काम से कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, तो उस कलेक्टर साहब की कुर्सी पर ये बैठे मिले। अब ये पता नहीं था कि अपनी सरकार ऐसे लोगों को भी इतनी बड़ी पोस्ट पर रख लेती है। ऑफिस में ये हादसा हुआ, गले मिले और फिर यहाँ तक चले आए। आइए बैठिए। ये तस्वीर? ये मेरा बेटा विक्रम है। तो फिर तुम्हारा बेटा है कहाँ, नजर नहीं आया? वो अपने किसी दोस्त के घर गया है। क्या बात है टाणा, इस नदी से कहना कि अपने साथ मुझे भी बहा के ले जाए। इतना आसान नहीं है छोटे कलेक्टर बाबू, ये आपका शहर नहीं है, जहाँ कानून और न्याय आपकी मुट्ठी में है। ये गांव का मामला है, अगर लोग आ गए, शोर मच गया, तो जूतों और मुक्कों की वो कलेक्शन मिलेगी कि उम्र भर के लिए आपके कचहरी उठ जाएगी। क्या करें यार, मौसम। एक काम करो विक्रम बाबू, किसी तरह ऐसे गाड़ी में बिठा लो, फिर राणा की स्पीड देखना, रास्ता मेरा, मंजिल आपकी। मैं से रास्ता पूछता हूँ। हाँ। सुनो, हम मुसाफिर हैं, रास्ता ही भूल गए। ये मेन रोड किधर है? क्या किधर है? पक्की सड़क। हमें शहर जाना है। ओ, शहर जाना है? हाँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर है बाबूजी। वो सामने कच्ची सड़क है ना? कौन सी कच्ची सड़क? वो सामने कच्ची सड़क, वहाँ जाएंगे तो पक्की सड़क अपने आप आ जाएगी। अरे कच्चे से पक्के में कौन जाना चाहता। सुनो तुम मेरे साथ चलो गाड़ी में, मुझे रास्ता बता दो, मुझे मालूम नहीं रास्ता। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। देखो मैं शहर से हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे झुमके ले दूंगा, ये गाड़ी का भी ले दूंगा। अरे तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ, देखो गाड़ी में आओ ना, देखो अरे पकड़ो उसे, कलेक्शन भाग रही है तेरी, भाग पीछे। अरे वो मेरी कलेक्शन। लड़की की चीख, अरे देख तो जरा जंगल में मंगल कौन मना रहा है, चल भागे। बचाओ,
ठहरो बाबू, ठहरो जरा। देखो जो कुछ तुमने किया वो हमने देखा। राम कसम बड़े जालिम हो, और गांव की इज्जत को लूटकर यूं भागने नहीं दूंगा, समझे? मैं एक आवाज दूंगा ना बाबू, तो 100 आदमी आएंगे और 200 हाथ तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, समझे? जाते क्यों? जितने पैसे हैं ना तुम्हारे पास वो निकाल दो। अच्छा ये लौटे कुत्ता कहीं का। ईमानदारी का धंधा करता हूँ बाबूजी, हैं? उचरा आदमी हूँ, मेरी जबान हमेशा बंद रहेगी। ऐसी दलील और घिनौनी हरकत हमारे गांव का कोई आदमी नहीं कर सकता, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। कोई बाहर से कमीना आकर हमारे गांव की इज्जत को मट्टी में रौंद कर भाग गया है। कब तक भागेगा वो, कब तक बचेगा? जिस दिन हत्या चढ़ जाएगा कमीने को फांसी लगवा दूंगा। राम कसम, पत्थर मार मार कर उस कमीने का सर तोड़ देंगे। एक बार पता तो चले कि ये काम किया किस कमीने ने है। विक्रम, हमें 4-5 रोज के लिए सरकारी काम से यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम बसंतपुर चले जाओ, राधा से मिलो, चौधरी साहब से मिलो, आके रिश्ता तय करना है भाई। हम भी 4-5 रोज के बाद आ जाएंगे। डैड, आप चाहते हैं कि मैं बगैर चॉइस के ही कलेक्शन कर लूं? वंस गोइंग आई डोंट माइंड, लेकिन रिश्ते विश्ते की बात को पक्का मत समझिएगा। अब तुझे क्या देखना है? मैं तो चौधरी साहब को देखते ही समझ गई थी कि वो लड़की कैसी होगी, लाखों में एक। अब तो ये देखना है कि हमारे घर की कलेक्शन उसे पसंद आती है या नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? इस तरह से क्या देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो गाड़ी चलाकर चौधरी कैलाशनाथ की हवेली की सीढ़ियों तक आकर खड़ा हो गया हूँ? अब ज्यादा गुस्सा ना कीजिए और हमें पहचानने की कोशिश कीजिए। जिसे कभी देखा ना हो उसे पहचानोगी खाक? हम कौन सा आपसे 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं कि आप राधा हैं, चौधरी साहब की इकलौती बेटी हैं, मैट्रिक तक पढ़ी हैं और बड़ी जिद्दी हैं और आप है कौन? अरे अब भी नहीं पहचाना? आई एम विकी, विक्रमजीत। देखिए आप कोई भी जीत हो, यहाँ से चलते बनिए। विक्रम जी। ओहो, यानी कि चौधरी साहब ने राज अपने दिल तक ही रखा, आपके दिल तक हमारी बात पहुंचाई नहीं उन्होंने। तमीज से बात करो। राधा, अरे भाई किस पे गुस्सा हो रही हो? विक्रमजीत। ओ बेटा तुम? जीते रहो जीते रहो, आओ अंदर आओ। माँ, ये है विक्रम, मेरे दोस्त इंद्रजीत का लड़का, वो जो कलेक्टर है ना, मैं परसों उनके बारे में बात नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, याद आया, अपनी राधा बिटिया के लिए ना। शर्मा गई। बड़ी शर्मीली है और बहुत प्यारी भी। कलेक्टर इंद्रजीत के बेटे, चाहे बाउंड्री पर खड़ा होना पड़े या फर्स्ट स्लिप पे, ये कैश तो कलेक्ट करना ही होगा। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? तुम आने की बात कर रहे हो, मुझे तो लौट कर जाना पड़ रहा है। ओहो, शहर से बाबूजी के कलेक्टर दोस्त का बेटा आया है, मैं उसे गाँव घुमाने निकली हूँ। उसे छोटे झरने के पास छोड़कर तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी। अरे राधा, तो रहने दो उसे छोटे झरने के पास, हम चलकर बड़े झरने के नीचे बैठते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा, वो कलेक्टर का बेटा बड़ा खोटा है, उसने अगर हमें देख लिया ना तो बाबूजी को जाकर बता देगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा राधा। सुना, वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं चलती हूँ। देखो राधा, अगर अभी तुम नहीं रुकी तो आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगा तुम्हारे घर की छत पर। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, मैं नहीं आऊंगी तुमसे मिलने। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने आधी रात को तुम्हारे घर की छत पर। राधा राधा, अरे राधा, तू यहाँ कैसे? मैं तो हूँ यहाँ का, पर अच्छा हुआ कि आप मौत के मुंह में खुद ही चले आए। मैंने मुंह बंद करने के लिए हड्डी दी थी, हड्डी गले में अटकी जो भौंक रहा है। पैसे आपने उस लड़की की इज्जत लूटने के लिए दिए थे, बात यहीं तक रहती तो मैं भौंकता भी नहीं, पर उस लड़की ने अपनी जान दे दी बाबू। धीरे धीरे
करते रहे। सारे गांव ने चौपाल में उसकी लाश के सामने बैठकर ये कसम खाई कि जिस दिन वो लफंगा उन्हें मिल गया वो उसकी जान ले लेंगे। अबे मैं राधा से शादी करने मरने थोड़ी आया। एक बात बता, ये बात तेरे सिवा किसी को मालूम है? अरे नहीं नहीं हुजूर, मैं आज तक उस लड़की के गम में मातम मना रहा हूँ, काला पड़ गया हूँ। किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। सुन कुत्ते, मैं तुझे इतनी हड्डियां दूंगा ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गया? हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, किसी को खबर नहीं होगी। क्यों बेटा, घुमाए? जी अंकल। कैसा लगा हमारा गांव? बहुत अच्छा अंकल, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपका गांव तो खूबसूरती का कलेक्शन है। मुझे तो यहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत लगी। आई मीन यहाँ का माहौल अंकल, आपकी ये हवेली, ये आपकी छत अंकल, ये छत तो कितनी खूबसूरत है। मालिक सरपंच जी आपसे मिलने आए हैं। आ रहा हूँ जी। मैडम मैं एक दो मिनट में आता हूँ। जी अंकल। दादा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहा? नहीं यहाँ नहीं, छत पे सबके सो जाने के बाद। सबके जागते हुए क्यों नहीं? सबके जागते हुए जो नहीं कह सकता यही तो समझाना चाहता हूँ तुम्हें, छत पे चांदनी रात में। दादी माँ आ गई। दादी माँ यहाँ आइए ना, हमारे साथ बैठिए। अच्छा अच्छा, तो फिर छत पे मिलते हैं रात को। नहीं नहीं अब मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। मैं जगा दूंगा तुम्हें। अरे घर पे किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं, चुपचाप आ जाऊंगा। तो फिर तेरा रात को मिलते हैं। हेलो दादी, कैसे हो बेटा? लीजिए अब ये भी मिलना चाहते हैं चांदनी रात में छत पे। चौधरी कैलाशनाथ के घर की छत ना हुई आगरे का ताजमहल हो गया। बिरजू, बिरजू, कहाँ होगा बिरजू? बिरजू पता नहीं आया भी है कि नहीं। राधा, 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 अरे भाई छत पे चांदनी रात में दिल की बात करनी है। राधा कौन है? तुम मेरी सांसों में बसे हो बिरजू, तुम्हें देखते ही मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ। मुझसे कभी अलग मत होना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगी। जानती हो राधा, तुम्हारी इस छत के ऊपर एक और छत है, ये आसमान, इस पे हम सब की किस्मत लिखने वाला बैठा है। उसने ऊपर से ही हम दोनों के मिलन का संयोग लिखकर भेजा है। इस धरती की कोई भी ताकत हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। राधा, चुप 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 दादी, मैं हूँ विक्रम, विक्रम, विक्रम। क्या हुआ बेटा, तू इस वक्त यहाँ क्या ढूंढ रहा है? ओ दादी, क्या हो क्या हो कि मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं रसोई का दरवाजा समझ कर अंदर आ गया। लगता है राधा आज पानी रखना भूल गई। हाँ भूल गई दादी, आजकल वो बहुत कुछ भूल जाती है। चांदनी रात क्या बड़बड़ कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं दादी, आप सो जाओ, आप। मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी। राधा सुनो तो। बिरजू विक्रम आ रहा है। क्या अब क्या करें, जल्दी। ऊपर राधा, राधा, राधा मैं आ गया। राधा, 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 अरे राधा, चांदनी रात खत्म हो जाएगी, सवेरा हो जाएगा, मुझे तुमसे दिल की बात करनी है राधा, अब छुपो मत आगे। अरे क्या हुआ? चोर, चोर। अरे कौन चिल्ला रहा है? चोर। दिल की बात करनी थी,
पता नहीं कहाँ चली गई। चोर 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 अंकल दादा घर में नहीं है। क्या कह रहे हो? दादा भाग गई है घर से। क्या बक रहे हो तुम? अपने कमरे में सो रही होगी। नहीं नहीं वो अपने कमरे में नहीं है। आओ आओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखते हैं। दादा घर में नहीं है, कहीं भी नहीं है, अपने कमरे में भी नहीं है। सो रही है। सो रही है? आप कंबल हटाकर देखो, ये राधा नहीं है, नौकरानी सो रही है। नौकरानी नहीं, राधा सो रही है। अरे नौकरानी तो है। अरे आधी रात को परेशान कर दिया इसने कि राधा नहीं है कमरे में। मैं तो घबराई गई थी। अरे क्या हुआ? अरे संभालो संभालो। चलो चलो यार, कल जो वो मेरे साथ घूमने गई थी तो अचानक मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गए। कल रात वो अपने कमरे में भी नहीं थी। मैंने उसके कमरे में, दूसरे सबके कमरों में, छत पे, सब जगह देखा और वापस देखा तो अपने कमरे में थी। हुजूर, इस बीच वो कहाँ थी? यही तो राज मैं जानता हूँ, राम कसम। कहाँ थी? किसी के साथ, किसी की आंखों में, किसी के दिल में। किसके साथ, किसकी आंखों में, किसके दिल में? वो है क्या हुजूर, सुबह से हरे हरे नोटों के दर्शन ही नहीं हुए। बास्टर्ड, ऐसा लगता है जैसे सब जगह पीलिया हो गया है। देखिए ना पीलापन हुजूर। ऐसा है हुजूर, अगर आप मेरा पीलापन दूर कर देते हैं तो मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। राम कसम। हड्डी चाहिए ना, हड्डी। बोलो कौन है वो, बोलो। इस राधा के पीछे भी एक कृष्ण कन्हैया है, जिसकी तान सुनते ही वो अपनी सुध-बुध खो बैठती है। ना 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 रुको ना, जाने जा अब जाने दो, दिन डूबा पंछी भी निकले घर को, छोड़ो पलाई सैया, बोले है मेरा बनना, कर का रहा वादा, आओगे दौड़ी सजना। ना 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 छोड़ो ना, जाने दो जाने भी दो, ना माने दिल मेरा तुम ना जाओ, हमारी जान जाती है जरा ठहरो, चले जाना ये नदियाँ गीत गाती है, जरा ठहरो चले जाना।
नदियाँ गीत गाती है, जरा ठहरो चले जाना। हमारी जान जाती है, जरा ठहरो चले जाना। ये नदियाँ गीत गाती है, जरा ठहरो चले जाना। वाह वाह, आपको इश्क हुआ और बिल्ली रास्ता काट गई। हमारे होते हुए ये कैसे हो गया विक्रम बाबू? बिल्ली हो या बिल्ला, उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। तुम आज ही रात बसंतपुर चले आओ, फिर जो कल सुबह का सूरज न देख सके। नहीं देखेगा। आप तो जानते हैं विक्रम बाबू, मैं अलग ही टाइप का आदमी हूँ, इसलिए अटैक भी अलग ही टाइप का होगा। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, उसे मैं जगा देता हूँ। रोके खड़ा है? मरने का इरादा है तो किसी और की गाड़ी के सामने जा। मेरा इरादा तो मरने का नहीं है, पर तेरा इरादा मुझे मारने का जरूर है। गुंडे भिजवाकर हमला करवाया मुझ पर, मुझे मारने की कोशिश की। कैसा हमला, कैसे गुंडे? भला तुझे मार के मुझे क्या मिलेगा? शायद तू ये समझ रहा होगा कि मुझे मरवाकर तू राधा को पालेगा। ये मचाल कि अपनी गंदी जबान से राधा का नाम ले, वो मेरी होने वाली मंगेतर है।
दोबारा राधा का नाम लिया तो मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। मेरी हस्ती मिटाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कमीने। जब तेरे भेजे हुए 6 किराए के गुंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? देख विक्रम, मेरे और राधा के बीच में आता की बात करता है, राधा से प्यार की बात करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपनी फिक्र कर हरामजादे, दोबारा अगर राधा का नाम अपनी जुबान पर लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, मेरी है, मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, तेरे के अंदर अंदर राधा से सगाई ना की। राधा मेरी, वो मेरी है, वो मेरा है, हरामजादे तू 2 दिन तो शायद चरम भी लगा लेगा ना तो भी राधा को नहीं पा सकता कुत्ते। क्या कर रहा है तू? अरे छोड़ते हैं, अरे सुनता क्यों नहीं? ये अतिथि हमारे हमारे मेहमान है ये। अरे काहे का मेहमान है ये? मेहमान नहीं जहरीले ना गई है, इसने मुझ पे हमला करवाया, जान से मारने की कोशिश। रुक तो सही तू। विक्रम बाबू क्या कह रहा है? झूठ बोल रहा है सरपंच जी, खबर का गले पड़ रहा है मेरे। तो पूछिए इसको क्या कर रहा था आधी रात को मेरे घर के बाहर। स्टेशन जा रहा था अपने पापा कलेक्टर साहब को लाने, गाड़ी आधी रात को आती है, कोई एतराज? झूठ बोल रहा है। पर बिरजू तेरे पास क्या सबूत है कि हमला करने वाले इन्हीं के आदमी थे? सरपंच जी मैंने खुद उसकी गुंडी को पकड़ा था और उसने इसी कुत्ते की तरफ इशारा किया। कहां है वो आदमी? कहां है वो? वो आदमी तो भाग गया, लेकिन सच तो यही है। अरे बेटा सच कैसे मालूम होगा कि वो भाग गया? तो तू चुप कर। बाबूजी गाड़ी का वक्त हो गया है, आप स्टेशन जाइए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, दिल में के मैल मत रखिए। मैं आपका नहीं नहीं सरपंच जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ? ऐसे भिखमंगों की बातों का कौन बुरा मानता है? अबे बिरजू क्या हो गया है तुझे? तुझ पे हमला करने वाले कुछ और बदमाश होंगे। विक्रम बाबू से इतना बड़ा हंगामा बेवजह? ये बेवजह नहीं है सरपंच जी, इसकी एक वजह है। मैं और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये विक्रम मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। अच्छा, इट्स अ चैलेंज डैग, इट्स अ चैलेंज। उस हरामजादे ने मुझे चैलेंज किया है कि मेरी और राधा की शादी 7 जन्मों तक नहीं होने देगा। वो मेरे रास्ते का कांटा है डैग। इस कांटे को हम इसी जन्म में निकाल देंगे विक्रम। कलेक्टर इंद्रजीत के पास 2 पेज की बहुत कलेक्शन है। नहीं डैग, शायद राधा भी। छोड़ो विक्रम, तुम बचपन के खेलकूद को क्या समझ रहे हो? इतना बड़ा चौधरी 2 टके का दामाद टूटेगा क्या? तुम देखना, ये रिश्ता कलेक्टर के घर में ही रहेगा। उस छोकरी की इतनी हिम्मत कि अपने बाप के सामने जबान चला सके? मैं कल ही कैलाशनाथ से बात करके तुम दोनों की मंगनी पक्की करवा देता हूं। आखिर ये हवेली की कलेक्शन का सवाल है आपके लिए डैग? ये हवेली, जमीन, जायदाद मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती, मुझे तो सिर्फ राधा चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। सवाल ये नहीं है कि मेरे ऊपर हुए हमले का विक्रम से कोई ताल्लुक है या नहीं, तो मुझे इस बात पर आ रहा है कि उसने तुम्हें अपना कहा, तुम्हें अपनाने की बात कही। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत की वो ये दावा करे कि तुमसे 2 दिन के अंदर अंदर सगाई कर लेगा? वो दिन कभी नहीं आएगा बिरजू। कलेक्टर और उसके बेटे के कहने से क्या होता है? अपनी राधा पर भरोसा रखो, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ घर बसाने की कसमें खाई हैं, चाहे 100 कलेक्टर 100 रिश्ते लेकर आ जाएं, ये राधा हमेशा बिरजू की रहेगी, वो मर जाएगी पर कभी किसी और की नहीं होगी। अच्छा हुआ इंद्रजीत के तुम आज आ गए, कल शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा जश्न होगा, खूब नाच गाना होता है, ढोल ताशे बजते हैं। हमारे गांव में एक लड़का है बिरजू, क्या गाता है, वाह समा बांध देता है, कल तुम भी सुन लेना। अरे भाई हम तो उसे देख ही लेंगे, लेकिन हमारे लिए खुशी का दिन वो होगा जब राधा और विक्रम की सगाई होगी। क्या कह रहे हो? हाँ चौधरी साहब, हम आपका बहुत एहसान मानेंगे अगर आप राधा का रिश्ता हमारे विक्रम से कर दें। इंद्रजीत मुझे भी तुम्हारा विक्रम बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में राधा को भी उसका साथ अच्छा लगता है, दोनों सुबह घूमने जाते हैं
तो शाम को ही वापस लौटते हैं। अरे तो फिर क्यों ना इस सात को पक्के बंधन में बांध दिया जाए। ठीक है, हमारी पुरानी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जानी चाहिए। क्यों नहीं दोस्त, क्यों नहीं। कल जब इस हवेली के सामने पूरा गांव इकट्ठा होगा, तब जश्न के बाद राधा और विक्रम की सगाई का ऐलान भी कर देंगे। माफ कीजिए, चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी भिजवाती हूँ। अच्छा बाजी। राधा, राधा बेटी सुन तो, आखिर बात क्या है, अचानक उठकर चली क्यों आई? दादी माँ, मैं मानती हूँ कि शादी ब्याह हर इंसान को करना पड़ता है और निभाना भी पड़ता है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि लड़की लड़की की शादी वही होनी चाहिए जहाँ दोनों का मेल हो? शादी हो जाने पर मेल अपने आप हो जाता है, ये बंधन ही ऐसा है बेटी। कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है दादी माँ, और अगर मेल ना हो पाए तो बंधन और भी कसकर गले में अटक जाता होगा ना। ये तो कह क्या रही है, किसकी बात कर रही है? अपनी और विक्रम की, और किसकी? अगर मेरी मर्जी ना हो, मैं किसी को ना चाहूँ, तो भी क्या मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा? ना ना बेटी, ऐसी अपशकुन की बात मत बोल, तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, आखिर तेरी जिंदगी का सवाल है। अगर तेरा मन नहीं मानता, तू विक्रम को पसंद नहीं करती, तो तेरा ब्याह वहां हरगिज नहीं होगा। सच दादी माँ? हाँ बेटी। देखा, कर दी ना कलेक्शन, कल चौधरी साहब की बुलंद आवाज सारे गांव के सामने तुम्हारी और राधा की सगाई का ऐलान करेगी। वो साला डफली वाला डफली बजाता रह जाएगा और राधा डंके की चोट पे हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। देख इधर, अरे 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 देख इधर, प्यारी प्यारी सूरत तेरी, प्यारा तेरा प्यार, प्यारी प्यारी सूरत तेरी, प्यारा तेरा प्यार, एक नजर जो मारी तूने तीर हुआ है पार। तेरे बिन अब नहीं जीना, तेरे बिन अब नहीं जीना, तेरे बिन अब नहीं जीना, तेरे बिन अब नहीं जीना। प्यारी प्यारी सूरत तेरी, प्यारा तेरा प्यार, प्यारी प्यारी सूरत तेरी, प्यारा तेरा
बिरजू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अपने सुर के जादू में तुम आज हमें, इस गांव को, इस धरती आसमां को, सबको बहा कर ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। शहर से आए हुए मेरे मेहमान, मेरे खास मेहमान बहुत खुश हुए। इस खुशी को मैं तुमसे बांटना चाहता हूं। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूं। तुम जो चाहो मांग लो। जी मैं आपसे, आज तुम्हारा दिन है, ये वचन है चौधरी का। आज जो तुम चाहो दिल से मांग सकते हो। ये अधिकार, ये मान आप मुझे देना ही चाहते हैं चौधरी साहब, तो मैं आपसे आज कुछ ना कुछ जरूर मांगूंगा, मगर एक गीत का नाम नहीं, अपने दिल का अरमान मांगूंगा आपसे। अगर आप सचमुच मुझ पर इतना खुश हैं और मुझे कुछ भी देना चाहते हैं, तो इस गरीब की झोली में आप अपनी बेटी का रिश्ता डाल दीजिए। तो कौड़ी के डाइये, तेरी ये मजाल कि मेरी होने वाली मंगेतर का हाथ मांगे, चौधरी साहब के दिए हुए वचन को अपनी गंदी मांग के कीचड़ में घोले। मैं तेरी खाल उतार दूंगा, मैं तुझे चांद से मार दूंगा। अकेली बास्टर्ड राधा बाबू, छोड़ दीजिए इसे। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए। राधा बिटिया के साथ अभी आपकी मंगनी नहीं हुई है, इसलिए आप उसे अपनी मंगेतर नहीं कह सकते। रही बिरजू की बात, चौधरी साहब ने सबके सामने खुश होकर उसे वचन दिया है कि वो जो कुछ चाहेगा उसे मिलेगा। उसने मांग ली अपनी जिंदगी, अपना प्यार, राधा बिटिया को। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी बात का मान रखने के लिए अपना वचन निभाइए। वाह, क्या नाजायज कलेक्शन हो रही है वचन और परंपरा की। शराफत और अच्छेपन में आके चौधरी साहब ने कह दिया है कि कुछ मांग लो, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गिरेबान पर हाथ डाल के उसकी गर्दनी तो पूछ लो। इनाम का मतलब होता है रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, इनमें से जो भी चाहे मांग लो तानसेन, और यहां से चलते बनाओ। मुझे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद कुछ नहीं चाहिए कलेक्टर साहब। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सिर्फ राधा है, और मुझे राधा का हाथ ही चाहिए। मेरे सब्र का इतना ज्यादा इम्तिहान मत लो भेजो, अपनी औकात में रहो, ऊंची उड़ान भरने की कोशिश मत करो। मेरे बेटे का रिश्ता तुमसे कभी नहीं हो सकता। कैलाश, ये सब तुम्हें वचन देने से पहले सोचना चाहिए था। एक ठाकुर का वचन राजपूत की कमान से निकले हुए तीर के समान होता है, जो वापस लौट कर नहीं आ सकता। जो कह दिया उसे पूरा कर दिखाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। चौधरी साहब, माँ जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, इसी में आपका बड़प्पन है। देखिए, आप सब लोग लफ्जों से खिलवाड़ करके मेरी कही हुई बात का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या बेटी इनाम में देने वाली चीज होती है? बेटी घर की इज्जत होती है, और फिर किसी भी बाप को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी बेटी को किसी दांव पे लगा दे या किसी इनाम में दे दे। उसकी अपनी जिंदगी अपनी है, उसका फैसला करना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक। तो यह फैसला आप अपनी बेटी के हाथ में ही छोड़ दीजिए। देखिए, जरा पलट कर देखिए अपनी बेटी की आंखों में, वो बार बार आपसे सिर्फ यही कहेंगी कि आपकी बेटी खुशी खुशी इस गरीब की झोली में गिरने को तैयार है। वाह राधा वाह, बचपन की दोस्ती को इतना घिनौना रूप दिया जाएगा यह हमें मालूम नहीं था। अब इस भरी सभा में इन गांव वालों के सामने कह दो हमें कि तुम क्या चाहती हो, कि हम बांध दें तुम्हें इस गरीब बिरजू के पल्लू से? बोलो, मंजूर है तुम्हें रिश्ता? हमारी बिटिया का लाश झुका हुआ सर उसके संस्कारों का प्रतीक है, इतने गांव वालों के सामने क्या बोलेगी बेचारी? चौधरी बनकर नहीं, एक बाप बनकर उसकी खामोशी को गौर से सुनिए। हाँ कैलाश, राधा की शादी बिरजू के साथ कर दो, और फिर अपनी राधा की भी तो यही मर्जी है। राधा की शादी बिरजू से कीजिए। चौधरी साहब, अपना वचन पूरा कीजिए। अपना वचन पूरा कीजिए। मान जाइए ना चौधरी चाचा, राधा की शादी बिरजू से कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग मुझे मजबूर करते हैं
तो मैं हाँ कह देता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। कहिए चौधरी साहब, राधा को पाने के लिए मैं शर्त का बड़े से बड़ा समंदर भी पार कर सकता हूं। तो सुनो बिरजू, राधा मेरी इकलौती बेटी है। इसकी मां की मौत के बाद मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। चंदन के पालने में इसे लोरियां दे देकर मैंने इसे बड़ा किया है। जिस दिन इस घर के चौखट छोड़कर वो विदा लेगी, क्या मैं इस लाडली का बाप अपने होने वाले दामाद से यह पूछ सकता हूं कि मेरी लाडली बेटी को इस हवेली से ले जाकर वो कौन से महल में रखेगा? दो प्यार करने वालों के बीच आप दौलत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि यह बेचारा रुपए पैसे के मामले में ता जिंदगी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम सरपंच, मैं इसे अपना मुकाबला करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो तो ज्यादती होगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। फिर जो मैं तुम्हें एक साल का वक्त देता हूं, मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है, साल भर के अंदर तुम 5 एकड़ तो हासिल कर सकते हो। लाखों रुपया है मेरे पास, तुम एक साल के अंदर 25,000 तो कमा सकते हो। हजारों तोला सोना है मेरे पास, तुम एक साल में 25 तोले तो जमा कर ही सकते हो। बोलो, शर्त की ये छोटी सी नदी पार कर सकते हो? आपकी रखी हुई ये शर्त मुझे मंजूर है चौधरी साहब। सुनो गांव वालों, अच्छी तरह से सुन लो, आज से ठीक एक साल बाद इसी शिवरात्रि के दिन मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी रचेगी, यही शादी का मंडप सजेगा। अगर बिरजू एक साल के अंदर मेरी शर्तों के मुताबिक ये सारी चीजें हासिल करके यहां लौट आया तो सहरा उसके सर होगा, वरना मेरी बेटी की डोली विक्रम के घर जाएगी। बोलो है मंजूर? हाँ हाँ मंजूर है। इंद्रजीत, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, जो वादे किए थे पूरे नहीं कर सका। क्या क्या सपने देखे थे सब अधूरे रह गए। कोई बात नहीं कैलाशनाथ, सपने ही तो है, आज अधूरे रह गए तो कल पूरे हो जाएंगे। चलता हूं। अच्छा बेटा आओ। अच्छा माँ जी। अच्छा नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। कहीं का नहीं छोड़ेगी मुझे वो आपकी लाडली पोती, पूरे गांव में बेइज्जत करवा के उसका दिल नहीं भरा जो मेहमानों के जाने के वक्त गायब है। कुछ खबर है, कहां है वो? बिरजू को छोड़ने गई होगी। बिरजू? ये शर्त तुमने मानी है क्यों बिरजू? क्यों मानी? ये सब उन लोगों की चाल है जानते हो तुम? एक साल में तुम इतना पैसा इतना सोना चांदी कहां से लाओगे? तुम ये सब नहीं कमा पाओगे, एक साल में तो मेरे प्यार की उम्र बीत जाएगी। नहीं राधा, ऐसा मत कहो, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे पैसे जमीन जेवरात कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे भी साथ ले चलो, हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। नहीं राधा, मैं तुम्हें एक चोर की तरह भगा कर नहीं ले जाऊंगा। पंचायत के सामने जो कसम खाई है, शर्त पूरी करने का जो बीड़ा उठाया है, उसे पूरा करके ही लौटूंगा। रो मत राधा, अपने प्यार पे भरोसा रख, मैं शर्त पूरी करके लौटूंगा। मेरा इंतजार करना राधा, मेरी राह देखना। राह देखूंगी, पर तुम मेरे साथ की कसम खाओ, तुम लौटोगे जरूर, चाहे शर्त पूरी हो या ना हो। हाँ राधा, मैं लौटूंगा वक्त से पहले और शर्त पूरी करके। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती, पहले मैं आंखें बंद कर लूं, फिर तुम चले जाना।
दादा कहां से आ रही हो? बिरजू को छोड़ने गई थी बाबूजी। बिरजू को छोड़ने गई थी या अपनी लाज अपनी शर्मोहया छोड़ने गई थी? मेरा रुतबा मेरी शान मेरी इज्जत मेरे खानदान की मान मर्यादा ये सब तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन नहीं है जिसे रोनते हुए तुम इस हवेली की चौकट को लांग जाओ। एक गरीब लड़का अपना घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने बाहर जा रहा हो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी खाली गठरी को सोने चांदी से भर के दुनिया के सामने रख सके, तो क्या किसी और का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो उसकी खाली गठरी में थोड़ी सी हिम्मत और उम्मीद भर दे ताकि वो बेसहारा मुसाफिर उसके सारे साल भर जी सके। बहुत लंबी चल रही है तुम्हारी जबान आजकल, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मेरा अपना ही खून मुझसे बगावत करे। और आखिर उस भिखारी में है ही क्या? कुछ ही दिनों में सब रास्ते बंद हो जाएंगे तब अकल ठिकाने आ जाएगी। उसका बाप भी शहर गया था दो वक्त की रोटी कमाने, क्या बोला उसे भूख की मौत, यह भी उसी की तरह भूखा मरेगा। उस दो टके के छोकरे की क्या हैसियत के इस शर्त का हिमालय पार कर सके? उसकी उम्र बीत जाएगी लेकिन शर्त का यह साल नहीं बीतेगा। अरे कुमार पलटे सामने तो कमाल ही कर दिया, तीनों शो हाउसफुल हो गए। और नमस्ते सेठ जी। अरे तुम फिर आ गए? सेठ जी आप मुझे एक मौका दिलवा दीजिए अपने शो में गाने का, मैं आपको निराश नहीं करूंगा सेठ जी। लो सुनो ये हमारे शो में गाएगा। अरे भाई इसका आखिर नाम क्या है? पता नहीं। अरे जब नाम का पता नहीं तो आपको काम कैसे देंगे? यहाँ तो टिकटें बिकती है स्टार के नाम पे, ऑडियंस को चाहिए स्टार नाम। मेरी कंपनी तुम्हारे गाने रिकॉर्ड करेगी? बड़े बड़े कलाकार मर गए हैं क्या? जी जी मैंने ऐसे कब कहा, बड़े लोगों का तो अपना दायरा होता है, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। देखो हम छोटे मोटे कलाकारों को मुंह नहीं लगाते, वो जो गली चौराहों पे नौटंकी बजाते हैं ना उनके लिए अपना तबला बजाओ। गेट आउट। बेटा तू बहुत अच्छा गा रहा है ना, तू अगर हमारी कंपनी में गाएगा ना तो बड़ी तुम्हारे हाथ की लकीरें बदल जाएगी। सच मास्टर जी, अपने इन्हीं हाथों की लकीरों को बदलने के लिए मैं पिछले 6 महीने से भटक रहा हूँ। आने वाले 6 महीनों में मुझे 25 तोले सोना 25 तोले चांदी और 50,000 नकद कमाना है। ये सब तो हो जाएगा ना मास्टर जी? अरे छोटू ये तो दाल रोटी के साथ साथ वरी पकोड़ा भी मांगता है ना, इसको समझा दो भाई। कला की ऐसी तोहिन तो हमने आज तक नहीं देखी। अरे 5-10 साल हमारी सेवा करेगा नी तो मेवा तो मिल ही जाएगा। लेकिन लेकिन मास्टर जी ये सब तो मुझे 6 महीने में जमा करना है। 6 महीने में इतना सारा रुपया जी, इतना सारा सोना जी। अरे तो फिर कला की बात क्यों करते हो साईं, जाओ कहीं डाका डालो चोरी कर लो। हे भगवान मेरे बिरजू की रक्षा करना, मेरे प्यार की खातिर उसने इतनी बड़ी शर्त पूरी करने का बीड़ा उठा लिया है। उसे पूरी करने के लिए वो ना जाने कहां कहां भटक रहा होगा, वो परदेश में बहुत अकेला है प्रभु, उस पर दया करना। हे पालनहार कोई ऐसा चमत्कार कर दे ताकि मेरे बिरजू के कदम अपने आप उसकी मंजिल तक पहुंच जाए। इस दिल ने देखे थे जितने टूट गए वो मेरे सपने, सोचा था मैं सजना होगा हाथ में उसका कंगना होगा। जान से ज्यादा प्यार करेगा फिर मेरी वो गोद भरेगा, फुट के रह गई मेरी जवानी सांस ने फेर दिया है पानी। तो फिर अब बहुत सुन लिया बहुत सह लिया सब्र का मेरे बांध बह गया, अब तो मैं बदला लूंगी इस सुसरी को ना छोड़ूंगी। आहा
को झोंके नीमे नीमे सच पुटनी पुटनी कोई ना रोके नीमे सच पुटनी पुटनी कोई ना रोके नीमे सच पुटनी पुटनी कोई ना रोके बुलाती हूँ। रूपा तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो रूपा। हाँ भैया। तुम फौरन चलियो। क्या रमा भाभी की तबीयत? भाभी तो ठीक है ना? तुम जल्दी चलियो। हाँ बस मैं अभी निकली। मंगल सिंह जी चंदनपुर के जंगल वाले रास्ते से निकल चलो, जल्दी पहुँच जाएंगे। जी बहुत अच्छा। क्या हुआ? किसे रोका बगी को? हम हैं। कौन हो तुम? हम हैं इस इलाके के मशहूर ठग। मैं कहती हूँ हट जाओ सामने से। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ठाकुर रणबीर सिंह की छोटी बहन। हाथ भी लगाया तो तुम्हारे साथ पुश्तों के हाथ पांव काट दिए जाएंगे।
हम हाथ आएंगे तब ना। भगवान का शुक्र है कि आप ऐन वक्त पे पहुंच गए, पर मैं आज पता नहीं क्या हो जाता। आपको ऐसे खतरनाक जंगल के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में खैर, आपके दोनों आदमी भी काफी जख्मी हो गए हैं। मैं आपको आपके घर तक पहुंचाता हूं। जी बहुत मेहरबानी होगी। आज भी हमेशा की तरह मेरा दिल धड़क रहा है चौधरी जी। दो बार तो ऐसा हुआ कि बच्चे का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। एक बार तो बच्चा गिर गया और दूसरी बार अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा मेरा वंश आगे चलने वाला नहीं है। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। ईश्वर ने चाहा तो इस बार लड़का होगा आपको। भैया भाभी, भाभी ठीक है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ रूपा? नहीं कुछ नहीं भैया, हम चंदनपुर के जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे कि कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। क्या, तुम पर कुछ लोगों ने हमला किया? इसमें घबराने की कोई बात नहीं भैया। तुझ पे कोई हमला करे और तू कहे कि घबराने वाली बात नहीं है, अरे चंदनपुर के जंगलों को आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा उन्हें। जाने भी दो भैया, इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाती, किसी ने ऐन वक्त पे आके हमें बचा लिया और घर तक भी छोड़ने आ गया। कहाँ है वो? यही पे तो था, मैं देख के आती हूँ। सुनिए, आप कहाँ रह गए? जी मैं वो जरा कोचवान की मरम पट्टी करवा रहा था, मुझे आगे दीजिए, मुझे वापस जाना है। अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकते आप? भैया अंदर बुला रहे हैं, चलिए। भैया आइए ना, भैया आइए, आओ अंदर आओ। भैया सुना आपने? ठाकुर साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। ओ भैया रूपा, मैं कितनी खुश हूँ, आज बरसों के बाद इस घर की मुराद पूरी होगी, भाभी की गोद भर गई। मैं चली अपने भतीजे को देखने। बस ड्रामा ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं अभी आपको बुलाती हूँ। ये एक अजीब इत्तेफाक है नौजवान, कि तुम्हारे मुबारक कदम पड़ते ही मेरा सुना घर आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। तुमने मेरी जान से प्यारी बहन की जान बचाई है। तुम मेरे खुशकिस्मती के फरिश्ते बन के आए हो उस घर में। हम तुम्हें सोने चांदी में तोल दें। आज के बाद तुम हमारे मेहमान हो। रामदीन जी सरकार, इनके रहने का बंदोबस्त किया जाए। मेरे हाथ, मेरी झोली, मेरा नसीब, सब कुछ खाली है ठाकुर साहब। इस बदनसीब बिरजू की कहानी एक साल लंबी है, उसमें से भी 10 महीने तो गुजर चुके हैं। अब तो सिर्फ 2 ही महीने बाकी रह गए हैं। इन 2 महीनों में मुझे 25 तोले सोना, 5 एकड़ जमीन और 25,000 नकद कमाना है,
और अगर ना कमा पाया तो बस जिंदगी का अंत ही समझिए। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो बिरजू? तुम इस घर में खुशियों का एक नया सवेरा लेकर आए हो। तुम्हारे कदम रखते ही मेरा सुना आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। तुम जैसे फरिश्ते के लिए हमारी तिजोरियां अपना मुंह खोल देंगी। तुम्हें ठाकुर रणबीर सिंह के वारिस की कसम, रूपा की सलामती की कसम, तुम्हें जितना सोना चांदी और रुपए चाहिए लेकर जाओ, आज के आज। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। मैं हर जोड़ कर विनती करता हूं आपसे, मैं ये सब कुछ ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ चाहिए जरूर, मगर इनाम या बख्शीश की शक्ल में नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से। मुझे इनाम नहीं, काम चाहिए ठाकुर साहब, काम। तो काम में तुम्हारी मदद कर देंगे मेरे भैया। तुम जिस कारोबार में जितना पैसा लगाना चाहो मेरे भैया से ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, कहो कौन सा कारोबार करना चाहते हो? मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला के बलबूते पे सब कुछ कमाना चाहता हूँ। मैं गीत गाता हूँ, बस अब मुझे एक ऐसा मौका दिलवा दीजिए, मेरे लिए एक ऐसा रास्ता निकाल दीजिए जिस पर चलकर मैं अपनी कला से आसमान को छू लूं। बहुत खूब, तुम्हें इस घर से अच्छी शुरुआत और कहाँ मिल सकती है। तुम यहीं से शुरू हो जाओ, क्यों रूपा? हाँ भैया, क्यों नहीं। हम अपने वारिस के जन्म का जश्न मनाएंगे और उसमें एक से एक अमीर और रईस को बुलाएंगे। तुम अपने संगीत के जादू से उनका दिल जीत लेना, आसमान खुद ब खुद तुम्हारे आगे झुक जाएगा। चांद से टूट कर चांद का टुकड़ा उतरा है जमीन पर, रोशन हुए लाखों दिए, किस्मत का तारा उतरा है यहीं पर। मुस्कुराहट से तेरी ये बहारे खिल उठी, जैसे आसमान से ये जमीन मिल गई, ये जमीन मिल गई। चांद से टूट गई का टुकड़ा उतरा है जमीन पर। मीठी सी प्यारी सी हल्की सी धुंधली सी दिल में ये तस्वीर थी, देखा जो सपनों में आया वो अपनों में, ये मेरी तकदीर थी, ये मेरी तकदीर थी। चांद से टूट गई चांद का टुकड़ा उतरा है जमीन पर। चंदन का छोटा सा पलना तेरा, हंसना गिरना संभलना तेरा, चंदन का छोटा सा पलना तेरा, हंसना गिरना संभलना तेरा। बचपन तेरा हो खुशियों भरा, चांद से टूट गई चांद का टुकड़ा उतरा है जमीन पर, रोशन हुए लाखों दिए, किस्मत का तारा उतरा है यहीं पर। शुक्रिया, धन्यवाद। वाह बिरजू, बहुत खूब।
तुम्हारी आवाज में सचमुच जादू है। मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकल चुका है बिरजू, उस दिन के लिए तुम आज ही से बुक हो। लो शुरुआत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। वो सब हासिल हो रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुम सचमुच एक बड़े कलाकार हो, इसीलिए तो तुम्हारी शोहरत। ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है रूपा जी। मैं तो कल तक दर दर मारा मारा फिर रहा था। आप नहीं मिलती तो क्या ये सब मिल सकता था मुझे? आप सचमुच मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत बनकर आई हैं। तुम क्या कम किस्मत लेके आए हो हमारे घर? तुम्हारे कदम बढ़ते ही भैया भाभी का सुना आंगन बच्चे की खिलखिलाहट से गूंज उठा। जिंदगी में ऐसी हरियाली पाने के बदले भैया से जो भी मेहरबानी की गई वो कम है। तुम्हें तो इतना मिलना चाहिए कि तुम्हारे दामन में भी समा ना सके। नहीं रूपा जी नहीं, मुझे तो सिर्फ उतना ही चाहिए जितने की तलाश है मुझे। उससे ज्यादा की मुझे कोई चाहत नहीं। दौलत और जमीन तो एक लालच है जिसे पाने की होड़ में लगा इंसान अपना सुख चैन और ईमान तक खो देता है। इन सबको खोकर पाई गई अमीरी आदमी को भीतर से खोखला कर देती है। रूपा जी मेरे हिसाब से दो वक्त की रोटी और रात की गहरी नींद से बड़ी कोई अमीरी नहीं। कई दिनों से देख रही हूँ राधा तू ठीक से खाना नहीं खाती। खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? भूख से मरना चाहती है, अपने आंसुओं से मुझे हिलाना चाहती है ताकि मैं तरस खाकर अपनी शर्त बदल दूं। लेकिन ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर ये जिद्दी है तो मैं भी इसका बाप हूं, मैं भी नहीं बदलूंगा। रूपा जी, रूपा जी। अरे बिरजू तुम कब लाते? आज का जलसा कैसे रहा? अरे रूपा जी बस पूछिए मत, आज तो कमाल ही हो गया। इतनी तालियां इतनी तारीफ मिली कि दिल खुश हो गया। वो तो होना ही था, तुम दिल से गाते हो इसलिए तो दिल को छू लेते हैं। छोड़िए रूपा जी, खैर ये लीजिए मेरी आज की कमाई, रख लीजिए। ये हर बार तुम अपनी कमाई मुझे दे जाते हो। अच्छा खासा खजांची बना के रखा है मुझे। अगर हिसाब किताब में 100-500 का फर्क पड़ गया तो? अरे रूपा जी कैसी बातें कर रही हैं आप पर तो पूरा विश्वास है मुझे। आपकी और ठाकुर साहब की मेहरबानियां क्या कभी भुला सकता हूं मैं? अरे हाँ इसी बात पर याद आया, दौलत राम जी शिकायत कर रहे थे कि ठाकुर साहब जलसे में पहुंचे नहीं, आखिर है कहाँ वो? स्वागत सत्कार की तैयारी में लगे हैं, कोई आ रहा है। फिर तो कोई खास ही मेहमान होंगे जो ठाकुर साहब खुद तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ खास मेहमान आने वाले हैं, वो शेरगढ़ के ठाकुर है ना, उनके लड़के दीवान सिंह, नीली नीली आंखों वाले। उनके साथ भैया भाभी मेरा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। खा खुशी की बात है, ये ठाकुरों के भी 100 नखरे होते हैं, क्या पता हमको पसंद भी करें या नहीं। अरे अरे क्या कह रही हैं आप, आपको और नापसंद सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे वो आपको देखेगा ना तो बस देखता ही रह जाएगा। क्या कमी है आप में? गुण संस्कार ऐसे जैसे कि कोई देवी, स्वभाव से रागिनी और रूप से चांदनी। अरे आप तो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती हैं अप्सरा। वो तो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली होगा जिसकी झोली में आप जैसा मोती गिरेगा। सच? बिरजू ने सच को इतना सुंदर कभी नहीं देखा रूपा जी। आपकी सुंदरता बयान करने में तो शब्द भी फीके पड़ जाते हैं। तुझे देख के
राधा, राधा क्या हुआ बेटी? कोई सपना देखा क्या? भगवान करे ये सपना ही हो दादी माँ। मैंने देखा कि कोई मेरी बिरजू को मुझसे छीन कर दूर लेकर जा रहा है। धीरे धीरे वो मेरी आंखों से ओझल हो गया और फिर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। फिक्र मत कर बेटी, तेरे प्यार की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाएगा। बिरजू को तुझसे कोई नहीं छीन सकता, अपने प्यार पे भरोसा रख, वो एक दिन जरूर आएगा। अरे माई बाप, अब छोड़िए ना उस बैजू बावरा की बातों को, अब तो शादी वादी की तैयारियां शुरू कीजिए। अरे हाँ, अब तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और फिर इस बार मैंने गांव में राधा रानी को देखा है। उसकी आंखों के सूखे हुए आंसू, अरे हुजूर, उस बिरजू की नाकामी की कहानी साफ साफ कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप शादी का माहौल पैदा कीजिए और निकालिए शगुन मधुन, निकालिए। थैंक यू। शगुन, कैलाशनाथ, इंद्रजीत, ये सब क्या है? शगुन है कैलाशनाथ। अरे भाई, शादी में 2 महीने रह गए, हमें अपने अरमान भी तो पूरे करने हैं। तुम चाहो तो इसे दोस्त की भेंट समझ कर स्वीकार कर लो, पर हम लाए इसे सगाई का शगुन समझ के। इंद्रजीत, मैं तो इसे एक दोस्त की भेंट समझ कर स्वीकार कर सकता हूं और सगाई का शगुन समझ कर भी, लेकिन मुझे डर है कि मेरी बेटी और शायद मेरी माँ भी इसे किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। बेटी को समझाना शुरू कर दो कैलाशनाथ, वक्त बहुत कम है। उसे बिरजू को भूल कर एक ना एक दिन मेरे बेटे से प्यार रचाना ही है। वो दिन जब आएगा तब देखा जाएगा। ये नुमाइश शर्त की हार जीत के बाद होगी। उठाइए ये शगुन की जोड़े और चली जाइए यहाँ से। राधा, उस 2 टके के छोकरे के लिए कलेक्टर के घर से आए हुए रिश्ते को ठोकर मार रही हो? मेरे सब्र का सादा इम्तिहान मतलब, तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं बहते हुए दरिया का रुख मोड़ देता हूँ। वो दरिया बरसाती नालों से बने होंगे विक्रम बाबू। यहाँ तो प्यार की वो गंगा बहती है जिसका रुख पलटना सिर्फ शंकर भगवान के हाथ में है, किसी इंसान के नहीं। ये नदी जाकर अपने सागर से ही मिलेगी। बंद करो ये बकवास। जिसके साथ घर बसाना है, जिसका सिंदूर अपनी मांग में रचाना है, उसके साथ ये शब्द कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए शगुन लाते हुए। ये लगते क्या है मेरे? मेरा घर, मेरा संसार बिरजू है और इस मांग में सिंदूर भी सिर्फ वही भरेगा। वो दर दर का फकीर सिंदूर की लकीर खींचने के काबिल नहीं है। 2 महीने पहले तक भी फटे हाल था, 2 महीने के बाद भी भिखारी बन के हवेली के सामने खड़ा होगा। देखो राधा, बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। हम सब की भलाई इसी में है कि तुम इस शगुन को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो, इसमें मेरे प्यार का तार तार सजा हुआ है। मैं इस शगुन का तार तार दोष डालूंगी। क्या समझ रखा आप लोगों ने मुझे? आग लगा दो। शगुन नहीं, मैं शगुन ही हूँ। क्या हुआ मुझे? अरे मैं जाना नहीं पाऊँ। अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। क्या कह रही है? मैं इस जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। दूर हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। कैलाश नाथ बहुत हो चुका, और निकल। इंद्रजीत, इंद्रजीत निकल जाओ। मेरी बात तो सुनो दोस्त। बहुत हो गया कैलाश नाथ, बहुत हो गया। मैं मानता हूँ कि हम लोग वक्त से पहले शगुन लेकर आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बेटी इस तरह से हमारी बेइज्जती करे। अरे तुम कम से कम दोस्त होने के नाते तो ये शगुन रख ही सकते थे। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें घर पर आकर मिलता हूँ इंद्रजीत, तब हम दोनों बात करेंगे। बेटे तुम भी मुझे जरा सोचना। अंकल चिंता ना कीजिए, आप राधा को संभालिए, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। डैडी डोंट गेट एक्साइटेड। चलो विक्रम, कलेक्टर हूँ मैं। ओके अंकल। होश में आ बेटी, होश में आ, संभाल अपने आप को, अपने गुस्से को काबू में रख। कैसे काबू रखो दादी माँ? सगाई का शगुन लेकर आए थे विक्रम और उसका पाप। मेरे घर में, मेरे सामने मेरे बिरजू को उन्होंने दर दर का भिखारी और फकीर कहा। अरे भिखारी तो वो है जो मेरे रिश्ते की भीख मांगने आए थे। बाजी, आपके लाड़ प्यार ने इस लड़की को सर पर चढ़ा रखा है। पूछो इससे, घर में आए हुए मेहमानों को इस तरह बेइज्जत करता है? तो क्या वो भी इज्जत नहीं कर रहे थे मुझे?
सगाई का शगुन लगा मेरे प्यार की चिंता जलाना चाहते हैं। अगर आइंदा बाप के सामने कभी प्यार मोहब्बत की बात की तो जान से मार डालूंगा। मारिए मुझे, मार डालिए अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी जी रही है। बाप होकर भी आप नहीं जानते कि आपकी बेटी किस आग में जल रही है। एक एक पल, एक एक सांस उखड़ती जा रही है मेरी। दो महीने बाद अगर बिरजू नहीं आया तो इस सूली पर मुझे चढ़ना ही है। भगवान के लिए उससे पहले मत चढ़ाइए बाबूजी, मत चढ़ाइए उससे पहले। राधा, देखा, रुला दिया ना बेचारी को। अब इसे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? वक्त अपने आप फैसला करेगा। आने दो वक्त को। देख रही है रूपा? हाँ, किसी को भी तो नहीं भाभी, वो बेला है ना, उसको चमेली के फूल लाने भेजा था। देखिए ना, अभी तक नहीं लौटी, मुझे मंदिर जाने में देरी हो रही है। अच्छा एक बात तो बताओ, तू मंदिर जाती है कुछ मांगती भी है भगवान से? हाँ भाभी, मांगती तो हूँ, मेरी भैया भाभी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और अपने लिए कुछ नहीं मांगती? मुझे किस चीज की कमी है, आप लोगों ने तो सब कुछ दिया है मुझे। अरे हाँ, वो बिरजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा? अभी तो यहीं से गुजर रहा था भाभी। वो गोपाल राय है ना, उनके यहाँ गृह प्रवेश का बहुत बड़ा जलसा है, तो वहाँ गाने गया है। उसके संगीत में ऐसा जादू है कि दूसरों का दिल जीत ले। ऐसे गुण, ऐसे संस्कार है उसके कि बस पूछो मत। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिरजू, वो इस घर के लिए कितना भाग्यवान है कि उसके इस घर में आते ही खुशियों की बाढ़ आ गई। मैं तो उसे जाने ही नहीं दूंगी। हाँ भाभी, उसे जाने ही मत देना। नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तू समझ गई है ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे दीपा, तू यहाँ? पिछले महीने मेरी इसी गांव में शादी हो गई थी। अच्छा, दादा कैसी है? पल के बिछाए बैठी है तुम्हारी राह में कि कब तुम जीत का सिरा बांध कर लौटोगे। पल पल लड़ती है वो दुनिया वालों से, घर वालों से, उम्मीद से ना उम्मीद बेचारी। कितने मौसम गुजर गए लेकिन उसकी नजर उसी राह पर टिकी हुई है जिस राह से तुम लौट कर आने वाले हो। दीपा, तुम अगर गांव जा रही हो तो राधा से कहना कि मैं सारा पैसा कमाकर वक्त से पहले ही लौटाऊंगा। जितनी वो तड़प रही है मुझसे मिलने के लिए, उससे कहीं ज्यादा तो मैं बेचैन हूँ उसकी उसकी एक झलक के लिए। उससे कहना कि पगली, अब अपनी आंखों में आंसू नहीं, सपनों के दिए जला ले। मैं कहूंगी तो वो मेरा यकीन कभी नहीं करेगी। ऐसी तसल्ली मैं उसे कई बार दे चुकी हूँ। तुम ऐसा करो, अपने हाथ से उसके नाम एक चिट्ठी लिख दो, मैं उसे पहुंचा दूंगी। क्या? हाँ, उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया है और कह रहा था साल पूरा होने से एक दिन पहले लौट आएगा। सच? झूठ बोल रही है तू, मेरा दिल रखने के लिए झूठी तसल्ली दे रही है। मैं जानती थी तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए मैं उसके हाथ की लिखी चिट्ठी लाई हूँ। चिट्ठी? ये देख, उसकी चिट्ठी तेरे नाम। मेरी प्यारी राधा, अभी तक तुम्हें संदेश नहीं भेज सका था, वजह यही थी कि किस्मत की लकीरों को बदल डालने की कश्मकश ने फुर्सत ही नहीं दी। अब मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी बदौलत मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। मैं वक्त बीतने से पहले ही लौट रहा हूँ राधा, मेरा इंतजार करना, अब बाजी मेरे हाथ है। मैं जीत का सेहरा बांधे तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें डोली में बिठाकर ले जाऊंगा। मेरा इंतजार करना, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। राधा, हम जीत गए राधा, हम जीत गए। मैं आ रहा हूं। Thank you.
जाए हार सिंगार एक बार दर्पण देखो सा पिया की आए तब शर्मा जाए हार सिंगार इस घर उस घर इस गली चर जाए अब तो मेरे महबूब महीने में कहां से कहां पहुंच गए। दरअसल उस दिन मैं जरा जल्दी में था, तुम्हारी आवाज को ठीक से पहचान नहीं सका। सुनो, हमारी कंपनी के लिए गा दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए एडवांस देता हूं। अब ले भी लो ना प्लीज। ला 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 आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। ओ आप, खुशी की तो बात ही है रूपा जी। जितना रुपए और सोना चांदी मुझे चाहिए था आज वो सब मैंने कमा लिया। सोचता हूँ कि कल अपने गांव लौट जाऊँ। कल? कल तो तुम नहीं जा सकते। क्यों? कल कुछ खास बात है क्या? ज्यादा खास बात तो है नहीं, बस एक छोटी सी खबर है। कल भैया मेरी सगाई तय करना चाहते हैं। आपकी सगाई होने वाली है और आप इसे छोटी सी बात कहती हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि वो भाग्यवान है कौन जिसकी झोली में आप जैसा मोती गिरने वाला है। लो, इतना बड़ा राज और इतना आसानी से बता दे, पूछने की कोशिश कीजिए। पूछते हैं पूछते हैं। हाँ, शेरगढ़ के ठाकुर का लड़का दीवान सिंह। अरे वही जो मंगलवार की शाम को देखने आया था। अरे वही, क्या खूबसूरत सी नीली नीली झील जैसी आंखें थी उसकी। झील जैसी नीली नीली आंखों में मुझे डूबना थोड़ी ना था। रिजेक्ट? फिर तो रतनपुर के ठाकुर होंगे। क्या लंबे चौड़े और ये घनी घनी मूछें थी उनकी। मूछ और पूछ वाले मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रिजेक्ट? फिर कौन हो सकता है? हाँ, दीवान राय का इकलौता बेटा रूप सिंह। रूपा और रूप सिंह, वाह क्या जोड़ी है। इसके आगे तो और किसी रिश्ते का होना सवाल ही पैदा नहीं होता। जी नहीं, रिजेक्ट। नाम रूप सिंह था इसलिए। कमाल करती है अभी रूपा जी। अरे तीन ही तो थे जो आए थे, चौथा तो कोई था ही नहीं। चौथा है और चौथा ही है।
जानते हो कौन? बसंतपुर का बिरजू। आप तो अच्छे खासे मजाक के मूड में लगती हैं। सच सच बताइए ना, कौन है वो? वो तुम्ही हो बिरजू। सुहाग और सिंदूर के बारे में मैं कभी मजाक नहीं करती। लेकिन लेकिन रूपा जी, ये सब तो कहां से शुरुआत हुई मुझे भी नहीं मालूम। दिन ब दिन मेरा दिल मजबूर होने लगा। तुम्हारे बारे में सोचने लगी मैं, राह देखने लगी तुम्हारी। फिर एक दिन अपने बारे में पूछा। तुम्हारा बोला हुआ हर लफ्ज अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। रूप ऐसा कि स्वर की अप्सरा भी पानी भरे। तुम संस्कार ऐसे जैसे कि कोई देवी। भाग्यशाली होगा वो जिसकी झोली में तुम जैसा मोती गिरेगा। लेकिन मैं कहती हूँ भाग्यशाली मैं हूँ जिसको तुम जैसा सीधा और सच्चा इंसान मिला। ये सब आप क्या कह रही हैं रूपा जी? ये नहीं हो सकता। मेरी सगाई और आपके साथ ये रिश्ता नामुमकिन है रूपा जी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नामुमकिन? मैं आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहता रूपा जी, मगर सच्चाई यह है कि मेरा प्यार किसी और की अमानत है। मैं अपने ही गांव की एक लड़की राधा से प्यार करता हूँ। आपको नहीं मालूम, शर्त की एक दीवार ने हम दोनों को एक साल के लिए जुदा कर दिया था। ये रुपया, ये सोना, ये चांदी कमाकर आज मैंने वो शर्त की दीवार गिरा दी है। मुझे उसके पास वापस लौटना है रूपा जी। मेरा सब कुछ वहां है, मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी जिंदगी, सब कुछ वहां है। यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा प्यार, जिंदगी, घर, संसार, सब कुछ वहां है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमने तो यूं ही तुम्हें अपने मन का ठाकुर मान लिया, यूं ही तुम्हें अपने सपनों का सहरा पहना दिया। यूं ही हमारी हर सांस, हर पल तुम्हारा नाम पुकारती रही। आज ये सुनने के लिए क्या कुछ भी नहीं है? हम कुछ भी नहीं है तुम्हारे। नहीं रूपा जी, नहीं, ऐसा मत कहिए। आप तो बहुत कुछ है मेरे लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आप लोगों की वजह से ही तो हूँ। कितनी श्रद्धा है मेरे मन में आपके लिए, ये आप क्या जाने। आप तो एक मंदिर हैं, एक देवी समान है जिस पर सारी उम्र मैं अपने पूजा के फूल अर्पण कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पूजा के फूल। सुना तुमने? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पूजा के फूल। मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक आम औरत जिसे प्यार चाहिए, घर संसार चाहिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आराधना। जिसका टीका बनाकर तुम इस देवी के मस्तक पे लगाना चाहते हो, वो सिंदूर मुझे मेरी मांग में चाहिए। सुना तुमने? वो सिंदूर मुझे मेरी मांग में चाहिए। रूपा, रूपा जी। ठाकुर साहब, रूपा जी को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं इनकी दिलो जान से इज्जत करता हूँ। सगाई और शादी की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बिरजू, इससे पहले कि मेरे हाथ से कोई अनहोनी हो जाए, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। चिराग लेकर भी ढूंढो तो रूपा जैसी लड़की तुम्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। यह तुम्हारा नसीब है कि उसने तुम्हें चाहा, और अगर उसने चाहा कि उसकी शादी तुमसे होगी तो यह शादी होकर रहेगी, चाहे जमीन हिल जाए या आसमान टूट पड़े। कौन इनकार करता है ठाकुर साहब की रूपा लाखों में एक नहीं है। रूपा जैसी लड़की मुझे 7 जन्म में नहीं मिल सकती, ये बात मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं किसी और को प्यार करता हूं, और उसके लिए मुझे आज ही गांव जाना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं ठाकुर साहब कि मुझे इजाजत दीजिए। तू जानता कौन है रूपा? मेरी नाजोपली बहन है, जिसे आज तक मैंने गर्म हवा का झोंका नहीं लगने दिया, और तू समझता है कि तू उसका दिल तोड़ के जा सकता है। नहीं बिरजू, नहीं, तू यहां से नहीं जा सकता। नहीं ठाकुर साहब, मुझे हर हाल में जाना होगा। तू यहां से कदम बढ़ाकर तो देख, उड़ा दूंगा तुझे। आप बेशक मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं आपसे दोबारा विनती करता हूं ठाकुर साहब कि मेरा सामान मुझे लौटा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बिरजू को मार दोगे क्या? इसने रूपा से शादी करने से इनकार किया है,
हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। इसे जाने दीजिए, इसके बहुत एहसान है हम पर, छोड़ दीजिए इसे। मैं छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। राम सिंह ले जाओ इसे महल से। आज मैं इसे छोड़ दो मुझे। संभालिए अपने आप को, भगवान के लिए शांत हो जाइए। मुझे जाकर रूपा को भी संभालना है, न जाने उस पर क्या बेहतरी होगी। मुझे जाने दो, तुम तो समझ क्यों नहीं हो, मुझे रूपा जी से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं छोड़ दो मुझे, मुझे रूपा जी से बात करनी है। जाने दो, रूपा, रूपा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। अपने आप को संभालो रूपा, अपने आप को संभालो। रूपा जी कहाँ हैं आप? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बाहर आइए रूपा जी, रूपा जी। हाय राम, ये क्या हो गया? ये फिर से क्यों लौट आया? मैं चाहती हूँ रूपा, तेरे भैया को रोकती हूँ। फिर आया बदजात, लगता है आज इसकी मौत इसे बार बार मेरे चुंगल में खींच के ला रही है। मैं इसे उड़ा दूंगा, भून डालूंगा गोलियों से। इसे दोबारा अपनी मौत को ललकारा है। छोड़ दो मुझे, मैं आपकी गलतफहमी दूर किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं जाने से पहले आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ रूपा जी। अरे अब कौन सा मुंह लेकर बात करेगा रूपा से? बात मुझसे कर, तेरी बात का जवाब मैं देता हूँ। छोड़ो मुझे। उसे रूपा से बात करने दीजिए, हो सकता है उनके कहने सुनने में कुछ बाकी रह गया हो। और ये भी हो सकता है रूपा के आंसुओं ने उसकी सारी मजबूरियों के बांध तोड़ दिए हो। उन्हें मिलने दीजिए। बोलिए अब और क्या कहना है? मैं जानता हूँ कि आपके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंची है, मगर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे ये तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है, आखिर दोष क्या है मेरा? ना जाने कब और कैसे ये गलतफहमी आपके दिल में बैठ गई है कि मैं आपसे। रूपा जी, मैंने कब आपको ऐसी नजर से देखा? मैंने कब आपसे इस तरह की बातें की? मैंने कब आपसे कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं? रूपा जी, मेरी राधा का दर्द, उसकी घुटन, उसकी पीड़ा सिर्फ आप ही समझ सकती हैं, क्योंकि आप भी एक औरत हैं। वो मेरे लौटने का इंतजार कर रही होगी। कल सूरज डूबने तक मुझे हर हाल में वहां पहुंचना है। अब तक तो उस बेचारी की सांसें रुक गई होगी, उसकी आंखों का पानी सूख गया होगा, उसकी नींद बिछड़ गई होगी। कमीने, तू फिर वही रामायण सुनाने आ गया? तू फिर मेरी दहलीज पर कदम रखा? रूपा जी कब? आप तो मेरी बात सुन, तू आज जाओ मेरी जी। रूपा जी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं भैया, इसे मत मारिए। नहीं रूपा, इसने तुम्हारे अरमानों का खून बहाया है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। ये एहसान फामोश है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, इसका कोई दोष नहीं, सारा दोष तो मेरा ही है। दोष तो मेरी इस समझ का है जिसने इस रिश्ते की भाषा न समझी। दोष तो मेरी इस कल्पना का है जिसने गलतफहमी के शीश महल खड़े कर दिए। दोष तो मेरी नींदों का है जिसने झूठे सपने बुने। दोष तो मेरी इस नजर का है जिसने ऐसे इंसान को चुना जो पहले से ही किसी और का था। किसी और का था वो शादी का जोड़ा जो मैं पहनना चाहती थी। किसी और के नाम का था वो सिंदूर जिसे मैं अपनी मांग में भरना चाहती थी। इसमें बिरजू का कोई दोष नहीं भैया, इसने तो कभी ये नहीं कहा था कि मुझसे प्यार करता है। ये तो सच्चाई से भी सच्चा इंसान है। भगवान इसे लंबी उम्र दे, और लंबी उम्र दे उस नसीब वाली को जिसे बिरजू जैसा मोती मिला। अब काफी रात हो गई है बिरजू, जंगल का रास्ता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कमाई जंगल में लुट जाए। कल सुबह
सूरज की पहली किरण के साथ तुम रक्षत हो जाना। कल का सूरज कहीं आपकी जिंदगी में अंधेरा ना कर दे विक्रम बाबू। राधा के बुझे हुए चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ कह रही है कि उस कंगाल बिरजू ने पैसा कमा लिया होगा, और कल अगर वो लौट आया तो ये ना हो राम कसम कि राधा की डोली आपके यहाँ आने के बदले उसके यहाँ चली जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक साल, पूरे एक साल इंतजार किया है मैंने। इतनी बेइज्जतियां, कितनी जिल्लतें बर्दाश्त की हैं इसलिए कि डोली उस भिखारी के घर चली जाए। राणा, कुछ भी करो, मार दो, खत्म कर दो, काट दो उसे, लेकिन कोई भी चक्र भी चलाओ, वो कल सुबह यहां नहीं पहुंचना चाहिए। ये लो बिरजू, अपनी खुशियों की सारी पूंजी। हम तुम्हें अपनी सारी दुआओं के साथ विदा करते हैं। तुम्हारी राधा और तुम्हारी बीच की सारी दूरियां आज खत्म हो जाए, रास्ते की धूल फूल बन जाए, वक्त तुम्हें अपनी मंजिल पर इतनी जल्दी पहुंचा दे कि अपनी जुदाई की सारी घड़ियां तुम भूल जाओ। जाओ बिरजू, शनाया तुम्हें बुला रही है। रूपा जी, जाने अनजाने मेरी वजह से आपके दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपनी मेहरबानी की और उसके बदले में मैंने आपको सिर्फ आंसू दिए। जो गुजर गया उसे भूल जाओ बिरजू। हाँ, अगर जाते जाते बदले में मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक छोटी सी सौगात देते जाओ। जी। अपने सारे आंसू यहाँ छोड़ जाओ बिरजू। तुम अपना घर, अपना संसार बसाने जा रहे हो। यहाँ से पलटते वक्त तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। जाओ, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। Yeah!
झुमरी तलैया के झुमके कहां भागा जा रहा है, जरा इधर तो देख। ओ तो तू फिर आ गया बिना मेरी इजाजत के? यहां से हंसों के जोड़े नहीं जा सकते तो तेरे ये घोड़े कैसे जाएंगे? पहले की मार भूल गया क्या? देख अगर कुछ बाकी रह गया हो तो उसका फैसला बाद में कर लेते हैं, आज हट जा मेरे रास्ते से। हट जाएंगे रसिया, तेरे पास नोटों की वो जो गठरी है ना वो मेरे हवाले कर दे, तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये गठरी तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, कोई इसे हाथ तो लगा कर देखे, हाथ काट कर फेंक दूंगा। तो काट के दिखा हाथ, हम हाथ बढ़ाते हैं। अरे ओ धतूरे, छीन गठरी साले की। दादी माँ, दोपहर बीत गई फिर जो अभी तक नहीं आया, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, मैं उसे देखने जा रही हूँ। बेटी जा ही रही हो तो रामू को भी साथ ले जाऊंगी, जंगल का मामला है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या बात है रामदीन? धर्मपुर के जंगलों में बिरजू बाबा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। क्या क्या बिरजू पर हमला? अरे अरे बिक्रम बाबू, अब छोड़िए ना इस हार श्रृंगार को, आपकी दुल्हन की डोली तो निकल गई उस जंगल की तरफ जहाँ आपने बिरजू के लिए चक्कर भी उड़े चाहा है। मैं राधा को किसी हाल में नहीं खो सकता, उसको पाना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं काट डालूंगा उस जंगल को और उड़ा ले जाऊंगा अपनी राधा को ऐसी जगह जहाँ कोई हरामजादा नहीं पहुंच सकेगा। पर हुजूर आप उड़ गए तो हमारा क्या होगा? दूर हट कुत्ते, बहुत हड्डी डाल चुका तुझे। तो ये बात है, विक्रम बाबू को शायद ये नहीं पता कि जब कुत्ते को हड्डी नहीं मिलती तो वो
भौंकने लगता है। खबरदार, अगर किसी ने हाथ उठाया तो एक एक को भून के रख दूंगा। ठाकुर साहब, आप ठाकुर रणबीर सिंह के घर से चला हुआ मेहमान रास्ते में लुट जाता तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। तुम अपनी कमाई लेके वक्त से पहले अपने गांव पहुंच जाओ, इन गुंडों से हम निपट लेते हैं। अब जाओ। राधा, 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 बिरजू, राधा, छोड़ दो, बिरजू, राधा, तुम इसे संभालो, मैं देखता हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाओ। जनाब, मैं तो लगी टाइप का। वाले, क्योंकि मैं चाहता हूं इधर मेरी बारात निकले और उधर इस आशिक का जनाजा। चलो सब। विक्रम जबरदस्ती राधा को कार में बिठा कर ले गया। रामदेव जी, जल्दी गाड़ी लाओ। छोड़ दो मुझे। बाकी ने सारे गांव के सामने विक्रम की असलियत खोल के रख दी। वो लाजो का असली कातिल विक्रम है मालिक और कोई नहीं, और उसी ने उसकी इज्जत लूटी। रोको, रोको। ठाकुर साहब, आप गाड़ी से जाइए, मैं शॉर्टकट चाहता हूँ। ठीक है, फिर जो संभालना। Thank you.
रूपा, ये तो मौत के मुंह में जान पूछ के क्यों चली आई? रूपा, रिचु पे हमला। रूपा जी, रूपा जी, ये सब मेरे लिए। आखिर ये कुर्बानी करने की क्या जरूरत थी आपको? ठाकुर साहब, चलिए रूपा जी को हॉस्पिटल चलिए। नहीं बिरजू, वक्त बहुत कम है, अपनी राधा को बचा लो। रूपा, रूपा, पिछला सब कुछ भूलकर तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। अब मेरी आंखों से पट्टी हट गई है। अब आपकी आंखों से पट्टी हटी तो क्या हुआ चौधरी साहब? जो होना था वो तो हो चुका। बहुत देर हो चुकी चौधरी साहब, बहुत देर हो चुकी। कमाल है मैं सब कुछ, सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ कमाल है। आपकी शर्तों के मुताबिक मैं जीत गया चौधरी साहब। लेकिन बात देखिए, उधर देखिए चौधरी साहब, कि मैं हार क्या गया। मैं उसे हार गया चौधरी साहब, जिसने मुझे जीतना सिखाया। मैं उसे हार गया, जिसने मुझे मिट्टी से सोना बनाया, जिसने मेरी तकदीर संवारी, जिसने मेरा प्यार मुझे लौटाया। चौधरी साहब, मैं जीत कर भी हार गया चौधरी साहब, मैं जीत कर भी हार गया। रो मत बच्चू, मैंने कहा था ना, अपने सारे आंसू मेरे पास छोड़ जाना। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, शायद किस्मत में यही लिखा था। सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाओ बच्चू, अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना। जिंदगी एक मंच है जिस पर हर इंसान अपना किरदार खेल कर चला जाता है। जिंदगी हर किरदार से बड़ी है। किरदार और लोग खत्म हो जाते हैं पर जिंदगी नहीं, जिंदगी चलती रहती है। गली गली